तो दोस्तों इसकी सर्विस होगी कंप्लीट, मैंने 3164 रुपये पे किया था मैंने इसका। दोस्तों कल बारिश बरसी थी तो इसलिए हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत बुरी बुरी सी लग रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हमारे एक प्यारे से ब्लॉग में सबका स्वागत है। तो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है KTM की सेकंड सर्विस में। तो दोस्तों हम जिस दिन जयपुर गए थे अभी दो दिन पहले, दोस्तों जयपुर सर्विस करा के आया था, तब आपको मैं नहीं बता पाया इसमें क्या कॉस्ट लगा और क्या क्या चेंज हुआ सर्विस पे, सेकेंड सर्विस पे। तो दोस्तों आज वो सारी डिटेल बात करने वाले हैं, दोस्तों सारी डिटेल बताने वाला हूँ क्या क्या इसमें चेंज हुआ, क्या क्या डाला सेकेंड सर्विस में। तो अभी बताते हैं आपको, और मैंने बिल भी कटा कराया था दोस्तों, तो हमारा बिल भी है KTM का। अभी सारी डिटेल है दोस्तों, क्या क्या लगा है और क्या क्या चार्ज इसका, तो सारी चीज़ बताने वाले हैं। तो बने रहे भी लोगों के साथ, बताते हैं आपको सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आपका वो दिखा देते हैं, एक बार दिखा दे इसको। तो दोस्तों ये इसका व्हील सर्विस है सेकंड सर्विस की, और एक बार मोटा मोटा सा कॉस्ट बता देता हूँ आपको मैं। 3164 रुपये लगे हैं दोस्तों सेकेंड सर्विस इसमें ये। तो आपको बताने वाले हम कैसे लगी 3100 सर्विस। तो दोस्तों ये 3164 रुपये कैसे लगे आपको सभी चीज़ बताने वाले हैं। तो अभी बने रहे ब्लॉग के साथ। दोस्तों सेकंड सर्विस में जो फर्स्ट चीज़ ली है वो तो ऑयल है, आपको पता है ऑयल डलता है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला मोटा खर्चा है इंजन ऑयल का, मोटो वूल के नाम से एक इंजन ऑयल आता है, वो इंजन ऑयल है दोस्तों 1.7 लीटर। ये ऑयल ऑयल आया दोस्तों इसका 1.7, तो 1338 रुपये का। और सेकेंड इसका प्लग स्पार्क, इसका प्लग डला है, इसका जो प्लग आता है जो वो डला है दोस्तों आपको इसका 207 रुपये का। और दोस्तों थर्ड इसका डला है जो ऑयल फिल्टर, और ऑयल फिल्टर भी अनिवार्य है दोस्तों सेकेंड सर्विस में, ऑयल फिल्टर डला है दोस्तों इसमें 66 रुपये का ऑयल फिल्टर आया है। और सेकेंड है रिंग, तो दोस्तों कोई बुल्ट था जैसे ऑयल यहाँ से काटते हैं ना, तो ऑयल का एक बुल्ट आता है, तो बुल्ट के लिए रिंग डलती है ऊपर से, रिंग आई 5 रुपये के दोस्तों। सेकेंड 5 नंबर पे दोस्तों आया इसका फिल्टर एयर, तो इसका एयर फिल्टर आया दोस्तों वो डला है हमारा 218 रुपये का। और फिर 6 डला है फ्यूल फिल्टर, तो फ्यूल फिल्टर डला है 89 रुपये का। और लास्ट मैंने एक 7 एसेसरीज लगाई दोस्तों, इसमें क्या इंडिकेटर टूट गया था मेरा, ये वाला इंडिकेटर टूट गया था, तो इसका इंडिकेटर डला कर आया दोस्तों मैं, तो वो डला है 487 रुपये का इंडिकेटर आया दोस्तों। और उसकी लेबर चार्ज लीजिए अलग से लिए 125 रुपये, वो यहाँ पे लगा रखा है, वो आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों ये तो है इसकी सर्विस पे डला है, इस पर कॉस्ट टोटल आया है मेरा 3164 रुपये ये सेकेंड सर्विस में। ऑयल एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर है, और दोस्तों इसका प्लग है, प्लग डला है 3-4 इसका 4-5 आइटम है जो अनिवार्य रहते हैं सेकंड सर्विस, वो डलते हैं वो डला के लाया हमें। और इसकी सेकंड सर्विस 2500 रुपये का लमसम होती है दोस्तों, 700 रुपये मेरे इंडिकेटर का लग गए थे, वो एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं इसमें। तो दोस्तों इसकी सर्विस होगी कंप्लीट, मैंने 3164 रुपये पे किया था मैंने इसका। और उसके बाद में दोस्तों इसका पहले दबके चल रही थी गाड़ी, सर्विस से पहले बहुत ज़्यादा दबके चल रही थी, तो मैंने उसको बोला भैया को, भैया मुझे बहुत दबके चल रही है। उन्होंने बताया भैया आप यहाँ देखना, तो मेरे को एयर फिल्टर दिखाया उसने, तो एयर फिल्टर बिल्कुल चौक हुआ पड़ा था, बिल्कुल चौक, मैंने देखा तो बुरी बहुत बुरी हालत होती थी, गाड़ी दब दब के चल रही थी, उसको एयर फिल्टर चेंज हो गया, ऑयल भी होगा चेंज जो, उसके बाद में दोस्तों इतनी खुल के चल रही है गाड़ी, इतनी मस्त चल रही है, प्यारी चल रही है, पहले दब रही थी, बहुत अच्छी तरीके से खुल के चल रही है दोस्तों, और मज़ा आ गया बाद में। पहले मैं सोच रहा क्यों पता क्या प्रॉब्लम हो रही दब के चल रही है, चल तो सही रही थी दोस्तों। जयपुर गया तब मेरा ये खर्चा आया था पेट्रोल का, 1000 रुपये का पेट्रोल डलाया था मैंने, बाकी मेरा ये खर्चा पड़ गया था दोस्तों 4500 रुपये का लमसम आया था, क्योंकि मैं यहाँ जयपुर 110 किलोमीटर दूर है जयपुर यहाँ से मेरे से, लेकिन इसकी सर्विस होती है 2500 रुपये में सेकेंड सर्विस हो जाती है दोस्तों। तो अब इसकी एक बार इसको चला के और देख लेते हैं कैसी चलती है, और आपको भी दिखाते हैं, और मैं भी चला लेता हूँ और आपको दोस्तों। कल बारिश बरसी थी तो इसलिए हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत बुरी बुरी सी लग रही है, तो इसको कल धोएंगे भी, क्योंकि आज बारिश आज नहीं बरसी, तो अभी कीचड़ काचड़ रास्ता में इसलिए गर्म हो जाती है दोस्तों। दिखाते हैं आप इसकी राइड करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसी चलती है, खुली चलती है या फिर दब के चल रही है, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए क्यों, हमारे वहाँ रास्ता टूटा फूटा था, तो अभी इधर आ गए इस रोड में, ये थोड़ा अच्छा रोड है, तो यहाँ करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। वैसा देखो खुली चल रही है गाड़ी, बहुत मस्त चल रही है, और इसका चलाने में मज़ा ही मज़ा है दोस्तों।
दोस्तों मैंने आपको जेटिंग की सेकंड सर्विस के बारे में बताया था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो टाटा भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।